हुकूमत की हम सलामती चाहते हैं। मैं माजी नजीर शालिद बेटा आफ्ताब जो है हमारी पीसीआर का मेंबर है और ये कोर्ट मैटर था और केस चल रहा था और कल और 21 तारीख को जब वो अपनी हाजिरी पर गए हैं तो जिस आदमी के साथ बनाम उसका नाम जो मुझे बताया है इन्होंने शाहिद और उसकी जात जो है वो राजपूत है। उसने चंद अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट गाड़ी में जो है इस बच्चे को वहाँ से अदालत के बाहर से उठा लिया है और उसके बाद एप्लीकेशन इन्होंने फॉरवर्ड करके जो है थाना पर गए हैं। एसपी साहब से आउटवर्ड नंबर लगवा कर गए हैं लेकिन हटधर्मी ये है अदारे की ये सेक्शन थाने की और उनके अफसर वाला की कि कोई पुरसन हाल नहीं है। उल्टा जो है लड़की की वालदा जब उनके साथ गई है मिस बिहेवियर किया है, मिस कंडक्ट किया है, अब्यूज लैंग्वेज में बात की गई है और जब ये बच्चे मेरे पास आए हैं क्योंकि मैं उनका पादरी हूँ और जब मैं थाना पे गया हूँ थाने के बड़े मुंशी से बात की है तो एज यूजल उन्होंने ना सिर्फ इनको लॉलीपॉप दिया है बल्कि मैं जो इनका रहनुमा हूँ एक टीचर हूँ और काहिन हूँ मुझे भी इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि हम रात को गाड़ी भेजेंगे और फिर उस बंदे को उठाएंगे। जब मैंने उनसे बात की कि ये नॉमिनेट कर रहे हैं उस बंदे को कि भाई इस बंदे ने उठाया है तो आप किस बात की तलाश कर रहे हैं और इनको मुसलसल ऐसे जो साहब कहते रहे मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कैसे जो साहब इन्हें कहते रहे हैं कि बंदा आपका ए सेक्शन थाना में है तो भाई ए सेक्शन थाना में है तो फिर वहाँ मुलाकात करवाई जाएगी और उनकी हटधर्मी है कि ना वो थाने पे खुद बैठे हैं। एक बजे उन्होंने हमें कहा है कि आप SHO साहब को रिंग करें SHO साहब हमें गाड़ी अलाउ करेंगे तो फिर हम आपके साथ जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए और बड़ी माजरत के साथ ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि एक बार फिर इन्होंने साबित कर दिया है कि मसीह कौम जो है वो लावारिस कौम है, उनका कोई पुरसन हाल नहीं। अगर जो कोई आम आदमी ये बात कहता तो मैं उसका कभी यकीन नहीं करता क्योंकि मैं प्रीस्ट हूँ और मुझे इन्होंने खुद ये बात साबित करा दी है कि मसीह कौम जो है वो एक लावारिस कौम है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जमहूरियत पाकिस्तान में जब हम रहते हैं और हमारे जितने सरबराह हैं और हुकूमत के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि मसीहों को बराबर का हकूक है तो मैं आई विटनेस हूँ, मुझे सिर्फ उनसे यही सवाल है कि बराबर के कहाँ हकूक हमें मिल रहे हैं। देखिए ये बात नहीं है क्योंकि आप मीडिया भी आपके साथ थे, तमाम जो सक्रिय आवाम है वो भी आपके साथ थे। मेरे ख्याल में ये बात आप सुनाना चाहें क्योंकि देखिए हर इदारे में कोई ना कोई गंदी मछली भी होती है, ठीक है ना। अगर कोई एक बंदे की वजह से पूरे इदारों को भी आप इस तरह लिखा, हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ हम भी अर्जन करेंगे अपनी सोशल मीडिया पे जितना हो सका हम अपने चैनल पर भी, लेकिन ये बताएं कि पुलिस ने एडमिट किया है कि आपका बंदा उनके पास है। जी मुसलसल वो कहते रहे हैं जो जिसने दरख्वास्त दी है आकाश गिल ने वो मुसलसल उसको कहते रहे हैं कि आपका बंदा ए सेक्शन थाने पे है। अच्छा 6 बजे आपको बंदा मिल जाएगा तो 6 तो हर रोज बजते हैं लेकिन ये 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे उठाया है। अच्छा यानी पुलिस एडमिट कर रही है हमारे पास ए सेक्शन थाना एडमिट नहीं कर रहा, सी सेक्शन क्योंकि हद वो लगती है सी सेक्शन के थाने के जो SHO साहब है उन्होंने कहा कि आपका बंदा जो है वो ए सेक्शन थाना पे 6 बजे वो बाजियाब हो जाएगा। हाँ जी आप उधर देख ले, जब ये बेटा आकाश गया है वहाँ पर तो उन्होने कहा जी हमारे पास कोई भी नहीं है वहाँ। अच्छा कहाँ से उठाया गया, हाई कोर्ट के बाहर से? ये सेशन कोर्ट से उठाया, सेशन कोर्ट के बाहर से उठाया गया है। अब आप बिल को आप क्योंकि थाना जो है